हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सब होप करते हो आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े भी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम देखना चाहते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसी क्या चीज़ है कि वो एक्शन लेते ही नहीं है, खाली सोचते हैं, क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ का हम देखने की कोशिश करते हैं। होप, यूनिवर्स एंड मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। एक्चुअली आपके पार्ट पर्सन का कार्ड पुल है होप कार्ड, इसको हम लोग स्टार कार्ड भी बोलते हैं। होप बहुत है उनको आपके तरफ से कि हाँ, कि उनको एक रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है, हीलिंग करनी है। एक वो आपको अपना यूनिवर्स भी समझते हैं। एक बोलते हैं ना कि हाँ, कि ये पर्सन उनको रियलाइजेशन आ रहा है धीरे धीरे, ऐसे कि रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे है ना, वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ है ना, खाली होप, विजुअलाइजेशन। अभी धीरे 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 हर चीज़ बारीकी से उनको धीरे 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 समझ आ रही है। अभी भी उनके मन में क्या चॉइसेस बहुत चल रही है, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत सोचना, मतलब कैसे बढ़े, क्यों, क्या करूँ, मतलब कैसे एक्शन लूँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चल रही है। क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीज़ ऐसे कुछ आपके साथ में उन्होंने की है या आपके साथ इस तरह का बिहेवियर किया है कि वो इंसान अपने गिल्ट से ऊपर नहीं उठ पा रहे। तो वो क्या अभी तक खाली बाहर अपने पिक्चर्स दे आपके, वो देख रहे हैं, पास्ट रिकलेक्ट कर रहे हैं, सब चॉइसेस देख रहे हैं, क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, वो सब चीज़ उनको बहुत ज़्यादा माथे में और हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट करके रखे, ऐसे बोल सकते हो। तो वो ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो अभी उनका साइकिल कंप्लीट होगा कि यूनिवर्स का कार्ड आ रहा है, तो वो साइकिल कंप्लीट होगा। एक बोलते हैं ना, ये बोल रहे, ये जो पोर्टल शुरू है, मेजर साइकिल्स कंप्लीट होंगे। तो ये जो ब्लॉकेज है, गिल्ट है, फियर है, जो उन्होंने बैड बिहेवियर किया या बहुत ज़्यादा खाली कोई एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आपके पास आए थे, खाली या सेक्सुअल एनर्जी की वजह से भी आपके पास आते थे, वो सब चीज़ें उन्होंने जो उन्होंने किया बैड किया आपके साथ में, वो चीज़ उनको ख़त्म करनी है। वो चीज़ उनको, अब उनको होप है कि वो इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स उनको गाइडेंस दे रहा है, उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये फिलहाल ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनके मन में ब्लॉकेज करके रखी है, बहुत ज़्यादा घेर के रखी है कि जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, तो वो उसकी वजह से स्टेप नहीं ले पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। वो खाली वो सब चीज़ बैठ बैठ के खाली देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो गिल्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा है ना, माइंड पे ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा है। क्योंकि अब वो ट्रांस कम्प्लीट, देखो कितना क्लियर कार्ड आ रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन, कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फेज में चल रहा है इंसान, चेंज हो रहा है। जब चेंज होने लगता है धीरे धीरे, ऐसे एक ही दिन में चेंज नहीं हो सकता है इंसान, चेंज होने में टाइम लगता है इंसान को। तो वो चेंज होगा, रियलाइजेशन होगा, वो ब्लॉकेजेस से बाहर निकलेंगे, फिर वो ऊपर अपने पे कुछ काम करेंगे। जैसे आप अपने आप पे इनर कर वर्क कर रहे हो, तो वो भी अपने आप में इनर वर्क करेंगे, एक काम करेंगे अपने आप पे, एक बेहतर इंसान बनाने का, फिर आपकी तरफ आप पड़ेंगे। क्योंकि वो गिल्ट से भी तो निकलना चाहिए ना, क्यों हुआ, अवेयरनेस उनको डेफिनेटली आ रही है, अवेयरनेस तो डेफिनेटली यूनिवर्स उनको दे ही रहा है कि ये तो भूल ही जाओ कि वो नहीं समझ रहे, उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ऐसे आप बोलते हो ना कि नहीं समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो स्टेप नहीं ले पाते। अब ये अभी जिस तरह से बिहेव करते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये ऐसा सच होगा भी क्या। लेकिन इंसान क्या होता है, कभी कभी अवेयरनेस आती है, लेकिन गिल्ट की वजह से क्या, उस तरह दिखाते नहीं अपनी कमज़ोरी। लोग जल्दी से कभी भी किसी सामने को दिखाते नहीं है, तो वो अपनी कमज़ोरी आपको दिखाना नहीं चाहते कि हाँ, कि मुझे ऐसे रियलाइजेशन हो रहा है, या मैं ऐसे गिल्ट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरह से वो दिखाएंगे नहीं आपको। क्योंकि उन्होंने एक मास्क पहन के रखा है, वो मास्क कभी खुद का भी जो मास्क उतारेंगे वो, क्यों आपका कोई अपना अलग चेहरा है, उनका एक अलग फेस है जो आपको दिखा के नहीं रखे हैं। वो अभी अलग आपको जो जो आपको दिखा रहे हैं, आप वही देख रहे हो कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनके पास की जो एनर्जी थी, पास में जिस तरह से बिहेव करते थे, वही सब आप देख रहे हो अभी उनके अंदर। क्योंकि उन्होंने वो मास्क पहन के रखा है, वो मास्क उतरेगा उनका, जब वो मास्क उतरेगा ना, तो वो क्यों, वो गिल्ट से बाहर निकलेंगे, वो अवेयरनेस उनको कंप्लीट अवेयरनेस 100% आ जाएगी, 100% श्योर हो जाएंगे, तभी वो अपना वो मास्क उतार के फेंकेंगे आपके सामने। क्योंकि आपके सामने उनको अपना पूरा ट्रुथ लेके आना है, एकदम ट्रुथफुल होके आना है। तो उसके लिए वो जो मास्क उन्होंने नकली मास्क पहन के रखा है दिखाने के लिए कि वो थर्ड पार्टी के साथ में खुश है, या थर्ड पार्टी के साथ, कोई थर्ड पार्टी उनको रोक रही है, उनके साथ में वो उनकी बात मान रहे हैं, तो वो मास्क वो कंप्लीट उतारेंगे। क्योंकि उनको वो उनको धीरे धीरे यूनिवर्स बता रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। और ये इनका डिसेप्शन एंड एनवी, जो आपको लग रहा है कि मुझे धोखा दे रहे हैं या मुझे मेरे साथ चीटिंग ही कर रहे हैं, तो आप ये सब तरह की फीलिंग है ना अपने मन से प्लीज़ कम्प्लीटली निकाल दीजिए। क्योंकि इंसान कभी कभी सब सामने दिखाने में बहुत अलग होता है वो, और अंदर पीछे बहुत अलग होते हैं। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, वो किसी सामने वाले के लिए कुछ और, किसी और के लिए कुछ और होते हैं। लेकिन जब तक वो आपको कम्प्लीटली उनको ऐसा वो हो नहीं हो जाए कि हाँ, वो आप ही से 100% प्यार करते हो, आप ही के साथ में रहना चाहते हो, आपके साथ में ही ज़िंदगी बिताना चाहते, तब तक वो कम्प्लीटली
अपना ट्रुथ आपके सामने एक्सप्रेस करने लायक नहीं हो जाते तब तक वो अपना मास्क नहीं उतारेंगे। तो आप उनका मास्क उतारने का वेट करो, ये मत डिसीजन पहले से परसेप्शंस मत ले लो कि नहीं ये पसंद ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही कर रहे हैं। वो चेंज हो रहा है, कभी कभी हम चेंज होते रहते हैं लेकिन इसको बताते नहीं है। कितने आप अपने घर में ही देखो कि हमारे घर में कुछ चलता रहता है, हम कोई बाहर के लोगों को नहीं दिखाते ना हमारे घर में ये सिचुएशन चल रही है, हम कितना अच्छा मास्क पहन के रखते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश है, ये सब दिखाने की कोशिश करते हैं ना, ये वैसे ही चीज़ है हो रही है। तो आप कम्प्लीटली अपने गॉड पे यूनिवर्स से फेथ रखिए, आपके पर्सन का जो जो मास्क है वो उतरेगा, वो उनका चेंज होगा, डेफिनेटली सिचुएशन चेंज होगी। ये जो ब्लॉकेज है जो अभी जो है वो उनके जो माइंड में है वो निकल रहे हैं, उनके चॉइसेस कैसे करनी है, उनको क्या करना है, वो सब निकलने दीजिए उनके माइंड से। देखो आपको सोलर प्लेक्स चक्र आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स के, आपको सोलर प्लेक्स चक्र पे बहुत स्ट्रांगली वर्क करने की ज़रूरत है। अभी आपको जो फियर, कितने लोगों को बहुत ज़्यादा फियर भी आते होंगे कि हाँ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये सब फियर फैक्टर हम बोलते हैं ना, हमारा डर हमारे पेट भी होता है, वैसे बात है वो सोलर प्लेक्स चक्र हमारे नाभि के यहाँ पे होता है, तो वो आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने फियर फैक्टर पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से फियर निकलेगा, नेगेटिविटी निकलेगी, तो आपके पर्सन से के माइंड से भी फियर और नेगेटिविटी निकलेगी, तो आपको सही निकालने की ज़रूरत है, तब भी आपके सामने त्रुट आएगा और उनके सामने भी त्रुट सामने खुलेगा। समझ रहे हो, आपको बहुत स्ट्रांगली सोलर प्लेक्सस चक्र पर वर्क करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको वर्क करने की ज़रूरत है सोलर, तभी आप त्रुट अच्छे से देख पाएंगे और उनको भी देख पाएंगे। देखे दो पलड़े, एक पलड़े में आप खड़े हो, सामने वाले पलड़े में कौन है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो त्रुट आपके सामने आएगा। दिख रहा है आपको, एक ही पलड़े पे ये खड़े इंसान और दूसरा पलड़ा वहाँ पे सामने है, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है कि वो देख रहे कितने, लेकिन सामने वो कौन है वो पर्सन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो देख रहे अभी आपको, वो बाद में पता चलेगा वो किसको देख रहे हैं अपने सामने, आपको देख रहे हैं, थर्ड पर्सन को देख रहे हैं, वो ट्रुथ आपके सामने आएगा। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ डेफिनेटली, जो ये जजमेंट का कार्ड भी होता है एक तरह से, वो अभी जजमेंट फेज में चल रहे हैं, वो अपने जो ब्लॉकेजेस है माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, वो उनके जो गिल्ट फैक्टर्स है या जो उनके डिसेप्शन फैक्टर्स है वो निकालने की, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वो डिसेप्शन फैक्टर्स से, अपने जो उनके पहले उनके जो बिहेवियर थे, जिस तरह का वो बिहेव करते थे, वो सब बिहेवियर पैटर्न से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो वो निकलने का इंसान टाइम तो लगेगा ना। देखो उनको बार बार यूनिवर्स क्या बोल रहे, चूज़ वाइजली, वो बार बार चूज़ करना, उनको क्या वो चूजिंग प्रोसेस में ही लगे कि किस तरह से एक्शन लेना है, क्या लेना है, वो प्रोसेस जो उनका अभी तक चालू है, कंप्लीट नहीं हुआ है कि वो हाँ उन्होंने वो कर लिया है। उनको माइंड में सेट करना इंसान के बहुत टाइम लगता है, क्योंकि लाइफ मेकिंग डिसीजन होते हैं ना, कि हाँ मुझे इस पर्सन के पास जाना है और वापस आपके पास आना, मतलब उनको मालूम है कि वापस यहाँ से मुड़ के नहीं जा सकता हूँ या नहीं जा सकती हूँ, ये मेरे परमानेंट होगा और आपको हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस बार आके आपको हर्ट करके वापस जाएंगे तो बहुत है ना, आपको पता है कि आप पे कितना खराब इफेक्ट होगा, ये भी उनको पता है, क्योंकि वो भी एक इंसान तो है ना, समझते तो है ना, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। तो हर चीज़ को नाप तोल के समझने की कोशिश करके आप लोग सोलर प्लेक्स चक्र पे हो सके उतना वर्क कीजिए, कपालभाति कीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, सोलर प्लेक्स चक्र करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हो सके जितनी येलो चीज़ खाइए तो उससे भी है ना, जैसे पाइनएप्पल है वगैरह, ये सब चीज़ें खाने से भी सोलर प्लेक्सस चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, क्योंकि उनको फर्म फाउंडेशन लेना है, उनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको अथॉरिटी, वैसे बोलते हैं ना भगवान एक अथॉरिटी, वो एक पावर में आना चाहते हो, पावर में आने के लिए एम्पायर टाइप का करते हो, एम्पायर के बोलते हैं वैसे, तो उनको उस पावर में आने में टाइम लगेगा, वो फर्म फाउंडेशन ले डाउन करना चाहते हैं, वो जो आपके साथ में नींव रखना चाहते हैं ना वो फर्म रखना चाहते हैं, ऐसे नहीं है कि कच्ची नींव नहीं रखना चाहते, पक्की इस बार जो आएंगे तो पक्की नींव रखेंगे, तो पक्की नींव रखने के लिए उनको ब्लॉकेजेस निकालने हैं, खुद के अंदर झांक रहे हैं, वो चॉइसेस मेक बना रहे हैं, भगवान से भी आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आंसर्स नहीं ढूंढने की कोशिश, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो मतलब भगवान से आंसर डेफिनेटली मांग रहे हैं और किसी से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको वो गाइडेंस थर्ड आई के थ्रू, अपनी थर्ड आई के थ्रू उनको गाइडेंस दे सके, अपने गुरु से या अपने टैरो कार्ड रीडर से या अपने एस्ट्रोलॉजर से डेफिनेटली कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक अथॉरिटी पोजिशन में आने की कोशिश कर रहे हो, अथॉरिटी पोजिशन में डेफिनेटली आएंगे। देखते आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पर्सन, अभी लव फीलिंग्स उनकी कैसे चल रही है। देखो अभी भी उनकी कैसे सिचुएशन हो रही है, वो फाइव ऑफ कप्स, देखो फाइव ऑफ पॉइंट्स, इसमें फाइव ऑफ पॉइंट्स में भी फाइव ऑफ पेंटिकल्स पे इंसान क्या होता है, नॉन कम्युनिकेशन मोड में हो सकता है, काफ़ी लोग नॉन कम्युनिकेशन मोड में हो, लेकिन वो आने के सोचते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मुझे चाइल्ड फैक्टर भी कुछ इन्वॉल्व लगता है, किसी के थर्ड पार्टी में हो तो कुछ चाइल्ड फैक्टर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, या पता नहीं उनके घर में ऐसा कोई चाइल्ड छोटा छोटे चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, या छोटे छोटे बच्चे हो तो वो उनके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ये सब चीज़ मुझे ऐसा कुछ लग रहा है।
उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो ये सब वो उस चीज़ से बाहर निकलने के बाहर निकल कोशिश कर रहे हैं। 5 आवर कब से वो कितना गिल्ट में बोल रहे हैं, वो बहुत पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं अभी भी। उनको वो क्या, वो पास्ट गिल्ट से निकल नहीं पा रहे, ये मेन ब्लॉकेज है उनका। क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी उनका निकल रहा था मूवमेंट चॉइस डिसीजन, वो खाली पास्ट को देख रहे हैं कि किस तरह से बिहेव किया। तो वो एक गिल्ट एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उस गिल्ट एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और आपको वो डेफिनेटली एक ना क्वीन जैसे देखते हैं कि हाँ शी ही और शी इज़ अ किंग और क्वीन, जैसे बोलते हैं ना एक स्टेबल पर्सन, आपको एक स्टेबल पर्सन समझते हैं। हाँ कि ये पर्सन बहुत स्टेबल है अपनी अपने डिसीजन में। और उन्होंने पता है आपको ग्लव कितना स्टेबल रहा है अब तक उनके लिए, कितना जेन्युइन रहा है, ये चीज़ उनको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। बार बार उनका यही कार्ड आ रहा है कि वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में कॉन्टेम्पलेशन, बार बार सोच रहे कैसे करूँ क्या करूँ। आपकी पिक्चर्स भी हो सकता है कि देख रहे होंगे आपके है ना फ़ोन में, आप ये सब सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे होंगे, ये भी डेफिनेटली श्योर है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो इस बता रहे हैं कि वो आपको डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। कोई साई बाबा के आंसर देखते हैं कि आपके पास साई बाबा आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। हाँ देखो आपका आंसर ही आ रहा है कि आपको टेलीपैथी हो सकता है, बाबा कम्युनिकेट विथ एनीवन एनी टाइम एनी वेयर लुक्स फॉर साइन। हो सकता है कि साई बाबा भी आपको कोई कम्युनिकेशन, आपको आपको सपने में आके कोई ड्रीम्स देख के जाए, आपके गुरु या कोई उनके थ्रू आपको कोई आंसर मुझे मिलते हुए दिख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपको टेलीपैथी के लिए कोई आंसर भेज रहे होंगे, मुझे ऐसे कुछ लगता है। और पर्सिस्टेंस, अगर बी पर्सिस्टेंट एंड नॉक ऑन बाबाज डोर, आपको जो भी आंसर चाहिए आप बाबा के पास जाइए या अपने गुरु के पास जाइए, आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। इस तरह से आपको बोल रहे हैं साई बाबा, देखिए आपको पर्सिस्टेंस, आपको वो आपको सपोर्ट दे रहे, पूरे सपोर्ट दे रहे, आपको सपोर्ट मिल रहा है। वो आपको बार बार यही कहा कि आप किसी गुरु से, आपने भगवान से, किसी आप किसी से आप है ना उनसे गाइडेंस लीजिए। क्योंकि आपको बार बार भाई साहब बाबा आपको बार बार यही बोल रहे हैं, किसी गुरु से या किसी स्पिरिचुअल टीचर से या कोई टैरो कार्ड रीडर से या एस्ट्रोलॉजर जिनको भी आप मानते हो उनसे आप अपनी गाइडेंस लो। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बाबा गिव्स द डिवोटीज इज वॉट दे वॉन्ट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू वॉट द ही वॉन्ट्स टू गिव दैम। मतलब वो बाबा जी डिसाइड करेंगे, वो गॉड डिसाइड करेगा, यूनिवर्स डिसाइड करेगा, वो उनको आपको कब और क्या चीज़ देनी है। आप खाली अपनी अपना गाइडेंस ऊपर वाले से मांगिए, भगवान से गाइडेंस मांगिए, आपको डेफिनेटली मिलेगी। और आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि गाइडेंस ऊपर वाले से तरफ से ही आ रही है आपको, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, नहीं तो नहीं देख पाते। समझ रहे हो, भी भगवान की गाइडेंस के थ्रू ही आपको मिल रहा है। देखो मुझे क्या लग रहा है, 7 ऑफ ना ये 7 नंबर का कार्ड खुला है, इसमें क्या होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्नेक दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है हो सकता है को आपको कोई आपके पर्सन को कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा हो या एंसेस्टर्स का प्रॉब्लम हो, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। या फिर 8 नंबर भी बन रहा है इसके अंदर, 7 के अंदर ही 8 बन रहा है। तो मुझे ऐसे कुछ स्नेक्स दिखना मतलब हमारे एंसेस्टर्स का कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके तरफ या उनकी तरफ से कोई एंसेस्टर प्रॉब्लम हो, इसलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे। तो आपको एंसेस्टर्स के कोई पूजा करनी चाहिए, मुझे ऐसा एंसेस्टर से चैरिटी करनी चाहिए जिस एंसेस्टर को आप मानते हो। आप भी अपने पार्टनर की तरफ से उनके एंसेस्टर के लिए दान धर्म कर सकते हो, तो उससे उनके माइंड में क्लैरिटी बहुत जल्दी आएगी। आपके देखिए डिवाइन टाइमिंग, आपको बोलते हैं ना हर तरह से भगवान उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इतने सारे क्लॉक्स है, डिवाइन टाइमिंग टाइम वक्त चालू हो चुका है, लेकिन बस उनको हर तरह से भगवान मतलब उनको सोने देगा ही नहीं अभी उनको हर तरह से जगह, एक जगह ये क्लॉक बजेगी, अभी वो क्लॉक बजेगी, अभी वो क्लॉक बजेगी, हर क्लॉक उनको बजेगी। मतलब उनके टाइमिंग शुरू हो गई है, दिख रहा है आपको, ये सब का टाइमिंग शुरू हो गई है। उनको हर तरह से जगाने की कोशिश की जा रही है और वो जागेंगे डेफिनेटली, और एक नई छलांग लेके आपके पास आएंगे, उड़ के आएंगे। जैसे बोलते हैं ना जब वो डिसीजन ले लेंगे ना कम्प्लीटली, तो उड़ के आपके तरह से बोलते हैं ना, उड़ के जैसे बोलते हैं ना, ये पहले जमाए पहले जब त्रेता युग में इस तरह के होते थे जहाज, उड़ने वाले जहाज होते थे, उस तरह से वो उड़ के आपके पास आएंगे। इस तरह से गाइडेंस मुझे कुछ आपके लोग के लिए मिल रही है। हो फ्रेंड्स आप लोग को कुछ क्लैरिटी मिलेगी, आपके पार्टनर क्यों ना वो हो रहे, आप डाउट मत कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, डेफिनेटली वो आएंगे, उनको क्लैरिटी कम्प्लीटली आने दीजिए और ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे। Thanks friends for watching. Please like and subscribe my channel.